नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे टेट 2016 का जो पेपर है जूनियर लेवल का, जो दिसंबर 2016 में आया था, तो इसका देखते हैं मैथ पार्ट आज की वीडियो में। पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट था। नेक्स्ट था, 12 प्रेक्षण आरोही क्रम में सजा कर रखे गए हैं, छठे और सातवें प्रेक्षण का मान क्रमशः 14 और 15 समस्त 12 प्रेक्षण की माध्यिका होगी। देखिए 12 प्रेक्षण हैं तो क्योंकि संपद हैं तो क्या करेंगे हम लोग, जो सातवें और छठे पद हैं इनको जोड़ लेंगे, 2 का भाग दे देंगे, यानी कि 14 + 15/2, तो इसकी जो माध्यिका आएगी वो 14.5 आएगी, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सेकेंड। नेक्स्ट है, उन वर्गाकार टाइल्स की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कमरे की फर्श में लगाई जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था 814, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर थर्ड। नेक्स्ट है, एक मोटर बोट जिसकी शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के विपरीत 36 किलोमीटर जाने और शुरुआत स्थान पर वापस आने में 5 घंटा का समय लगता है, धारा का प्रवाह चाल ज्ञात कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट था। नेक्स्ट है, दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए जबकि उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था फर्स्ट, 3.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127, एक इक्वेशन दी गई, बैलूगा पूछी गई, तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो 5 था। नेक्स्ट है, पेट्रोल की कीमत 25% की दर से बढ़ जाती है, पेट्रोल पर खर्च ना बढ़े इसके लिए यात्रा में कटौती कितनी करनी पड़ेगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था 20%। नेक्स्ट है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD एक दूसरे को बिंदुओं पर काटते हैं, यदि एंगल DAC बराबर 32 डिग्री, एंगल AOB बराबर 70 डिग्री, तब एंगल DBC का मान है, तो एंगल DBC का मान है 38 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट था, एक वृत्ताकार पार्क बनाने का प्रस्ताव किया जाता है जिसका क्षेत्रफल क्रमशः 16 मीटर और 12 मीटर व्यास के दो वृत्ताकार पार्क के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, नए पार्क का अर्धव्यास क्या होगा? यानी कि नए पार्क का त्रिज्या पूछा गया था, अर्धव्यास जो होता है वो त्रिज्या होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट, 10 मीटर। नेक्स्ट है, किसी घन का किनारा 8 सेंटीमीटर है, यदि इसमें से संभावित बड़ा से बड़ा लंबवती शंकु काटा जाता है तब शंकु का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर था 1/12 πr³। नेक्स्ट है, 13 × 50 को 14 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा? तो शेषफल आएगा 1, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट था। नेक्स्ट था, यदि x + 3 + √8 हो तो x³ + 1/x³ का मान होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था सेकेंड, 198। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये गुणनखंड पूछे गए थे, सिंपल है, x² + 3√2 x + 4 के गुणनखंड है, तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था सेकेंड, x + 2√2 और x + √2। नेक्स्ट, एक समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं 74 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है, यदि इसके विकर्णों में एक विकर्ण 102 सेंटीमीटर हो तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा 2448 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है थर्ड। नेक्स्ट है, यदि एक समबहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण 18 डिग्री है तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या कितनी होगी? तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या होगी 20। नेक्स्ट है, बिंदु -7, -2 की बाई अक्ष से दूरी, तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो 7 इकाई। नेक्स्ट है, एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 हो तो बेलन का आयतन कितना होगा? तो बेलन का आयतन होगा 539 घन सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, एक 11 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर की एक आयताकार पेपर के टुकड़ों को मोड़कर बिना दोहराव के एक बेलन ऊंचाई 4 सेंटीमीटर का बनाया जाता है, तो बेलन का आयतन पूछा गया, तो बेलन का आयतन होगा 38.5 घन सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, रेखाओं x + 2y - 3 = 0 और 2x + 4y + 11 = 0 के ग्राफ हैं, तो ग्राफ जो बनेंगे ये रेखाएं जो है एक दूसरे के समांतर हैं, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है थर्ड। अब ये आपका आ जाएगा पेडागोजिकल, जो कॉन्सेप्ट होते हैं पेडागोजिकल मैथमेटिक्स में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है।
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी कि NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार गणित का अनुक्रम है, तो गणित का अनुक्रम जो है भाषा के बाद आता है यानी कि लैंग्वेज आफ्टर लैंग्वेज। नेक्स्ट है गणित शिक्षण में आगमन विधि द्वारा हम आगे बढ़ते हैं, तो आगमन विधि से जो हम लोग ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड। नेक्स्ट है किसी आसन कोणों के युग में शीर्ष बिंदु हमेशा उभयनिष्ठ होता है, दूसरा एक भुजा हमेशा उभयनिष्ठ होती है, तीसरा वे भुजाएँ जो उभयनिष्ठ नहीं है हमेशा विपरीत किरणें होती हैं, तब तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है थर्ड असत्य है, यानी कि वे भुजाएँ जो उभयनिष्ठ नहीं है हमेशा विपरीत किरणें होती हैं। नेक्स्ट आता है यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ए तथा इसकी ऊंचाई बी हो तो बी स्क्वायर अपान ए का मान कितना होगा, तो बी स्क्वायर अपान ए का मान होगा √3। नेक्स्ट एक पार्टी में 10 पुरुष हैं, यदि इसमें प्रत्येक एक दूसरे से केवल एक बार हाथ मिलाता है तो हाथ मिलाने की कुल संख्या, तो हाथ मिलाने की कुल संख्या जो होगी NC2, तो n 10 पुरुष हैं तो 10C2 हो जाएगा, ये डायरेक्ट फार्मूला आता है तो ये आ जाएगा 45, यानी कि NC2 इसको जब एक्सपेंस करेंगे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक घोड़ा 30 मीटर लंबी रस्सी द्वारा खूंटे से बंधा है, जब घोड़ा रस्सी को कसी हुई रखते हुए वृत्ताकार पथ पर घूमता है तो केंद्र पर 105 डिग्री का कोण बनता है, तो ज्ञात कीजिए कि घोड़े ने प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी तय की, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 55 मीटर। नेक्स्ट एक व्यक्ति और उसकी पत्नी दो रिक्त स्थानों के साक्षात्कार में आते हैं, पति के चुने जाने की प्रायिकता 1/7 है तथा उसकी पत्नी के चुने जाने की प्रायिकता 1/5 है, इनमें से किसी एक के चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी, तो इसका जो करेक्ट आंसर था 2/7। अब ये आपका ये क्वेश्चन दिया था तो इसको सॉल्व करके वैल्यू निकालनी थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर आया था वो 19 यानी कि सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट इसकी भी वैल्यू पूछी गई थी √5 / √9 + √5 - √9 - √5, तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था 1/2। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन था यदि एक व्यक्ति दो किताबें ₹410 में खरीदता है और दोनों किताबों को समान मूल पर बेचता है, एक से उसे 15% का लाभ तथा दूसरे से 10% की हानि होती है, दोनों किताबों का क्रय मूल कितना है, तो दोनों किताबों का क्रय मूल था ₹180 और ₹230। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।